हेलो एवरीवन, हियर इज कविता। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो है और वीडियो से स्पेशल। यस, मैंने आप लोगों को रक्षाबंधन की ड्रेस तो दिखा रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता रही कि उस ड्रेस के ऊपर आपको मेकअप लुक कैसा क्रिएट करना चाहिए जो कि बहुत एलिगेंट और डिसेंट लगे। तो गाइज, आज मैं सिर्फ कुछ प्रोडक्ट से मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। आप लोग देख सकते हो मुझे एक्ने प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सब भी मैं कवर करूंगी। बट मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने वाली और ना ही मैं ज़्यादा प्रोडक्ट मेरी स्किन पर लगाऊंगी। तो फटाफट से देखते हैं कि ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट होता है। ओके, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये वीडियो पूरी देख लीजिए। अगर आपको पसंद आता है और आपको लगता है कि हाँ मैंने थोड़ा सा एफर्ट डाला है या मेरा थोड़ा सा इसमें काफी मेहनत लगा है, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, आप लोगों के कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड गाइज, यस, फाइनली हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है। हमारा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप और हम एक ही है। यस, यू आर माई फैमिली, तो वी आर अ फैमिली, और ये हमारा चैनल है, मोनेटाइज हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइस, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी शुगर के प्राइमर से। मैं, मेरी स्किन थोड़ा ऑयली है, तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कोई भी मेकअप करने के लिए ना आपके पास सिर्फ दो चीज जरूर होनी चाहिए। वो दो चीज ये है, एक तो आपको प्रोडक्ट वो यूज करना है जिस टाइप की आपकी स्किन है। यस, जिस टाइप की आपकी स्किन है, अगर उस टाइप का प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपका मेकअप अच्छा भी रहता है और लॉन्ग लास्टिंग चलता है। सेकेंडली गाइज, मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि हमेशा ना आप जब भी मेकअप करते हैं ना, अगर आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगा लेते हैं ना, तो कभी भी वो आपका मेकअप बहुत क्रिजी हो जाता है, मतलब बहुत अलग से दिखाई। आपने देखा होगा किसी किसी का मेकअप बहुत ज्यादा अलग से दिखाई देता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से क्योंकि हम प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट बिल्कुल भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना, आपको सिर्फ उतना प्रोडक्ट यूज़ करना है जितनी आपकी स्किन को रिक्वायरमेंट है। यस, सो गाइज, मेरी स्किन ऑयली है और सुपर ऑयली है, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कम ऑयली है, मेरी स्किन सुपर ऑयली स्किन है। तो ये जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो मेरी ऑयली स्किन के लिए यूज़ कर रही हूँ, आप लोग इसी का ही प्रोडक्ट का। और अब शुगर का प्राइमर क्यों लगा है पहले वो बता देती हूँ गाइस, क्योंकि शुगर का प्राइमर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और अगेन मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी स्किन ऑयली है, तो जो शुगर का प्राइमर होता है वो मेरी स्किन को थोड़ा मैट कर देता है, और जो मेरे पोर्स होते हैं वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लर कर देता है। यस, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया है। ओके, तो वो ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की और, जो कि है गाइस कलर बार से। और मैं आपको पहले ये तीन प्रोडक्ट बता देती हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ गाइस कि जब भी आपने प्राइमर लगा लेते हो, आप अपनी स्किन के ऊपर प्राइमर आपने लगा लिया है बहुत अच्छे से, फिर आपको वेट करना है। वेट लाइक आपको नाना करके गाइस कुछ 2-3 मिनट्स वेट करना चाहिए, क्योंकि प्राइमर अच्छे से सेट हो जाना चाहिए, उसके बाद आपको उसके ऊपर यू ना प्रोडक्ट लगाने चाहिए। एंड गाइज, मैं यहाँ कोई मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ करूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेरी स्किन ऑयली है। मैंने आपको बताया मुझे थोड़े एक्ने प्रॉब्लम भी हो रहे हैं, तो मैं ये जो मेकअप है मैं बिल्कुल उसको मैट बनाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ भी मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करी। मगर अगर आपकी स्किन गाइज ऑयली नहीं है, आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है या सेंसिटिव स्किन है या सिर्फ ड्राई स्किन है, तो डेफिनेटली गाइज आपको कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज़ कर लेना है, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि ये मॉइस्चराइजर मेरी स्किन के लिए थोड़ा लाइट वेट होता है। कभी भी ज़्यादा मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ करना चाहिए, और एक बार की में कभी ज़्यादा मॉइस्चराइजर लेना भी नहीं चाहिए। आपको चाहिए गाइस तो आप पहले थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेके अच्छे से आपकी स्किन पे लगा सकते हैं, फिर आप दोबारा से लेके वापस से लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक साथ लेके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अपनी स्किन पे लगा दें, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा क्रिजी हो जाती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई देती है। यस, सो गाइज, यहाँ ये एक कलर बार का कॉम्पैक्ट पाउडर है, पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर है जो कि मैंने बिल्कुल अभी न्यू लिया है। नॉर्मली मैं शुगर से मेकअप करती थी, बट मैं रिसेंटली मॉल में गई थी तो मुझे कंसीलर चाहिए था, बिकॉज ऑफ आपको पता है मेरे थोड़े डार्क सर्कल है और एक्ने प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैंने एक अच्छा कंसीलर सोचा कि मैं ऑनलाइन ना मंगा के मैं बाय फेस ले लेती हूँ, टेस्ट करके कि मेरी स्किन से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गाइज, मैंने ये कलर बार का एक कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है जिसका नंबर है गाइस 01 01, इसका नंबर है, आप लोगों को दिख गया होगा। मैं गाइस इसका प्राइस बता देती हूँ, मुझे कोई डिस्काउंट में नहीं पड़ा है, इसका प्राइस है 1095 रुपीज का ये कॉम्पैक्ट पाउडर मुझे पड़ा है। एंड गाइस, उसके बाद मैंने कंसीलर लिया है, तो कंसीलर का जो शेड है गाइस वो है 02, और स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यस,
बोलेंगे इसकी कॉम्पैक्ट पाउडर तो आपने 01 का लिया था, बट कंसीलर यस, क्योंकि जब भी आप कोई कंसीलर यूज करते हो तो आप अपने स्किन टोन से वन शेड डार्क यूज करते हो, तो वो वन था तो मैंने इसलिए 02 का लिया है। एंड गाइज मैं इसका आपको एमआरपी बता देती हूँ, ये मुझे पड़ा है 795 रुपीज का। एंड गाइज उसके बाद मैंने यहाँ पर फाउंडेशन यूज किया है जिसका नंबर है 01, फेयर स्किन टोन के लिए 01 इसका शेड है। एमआरपी की बात करती हूँ गाइज, ये मुझे पड़ा है 1,299 रुपीज का, या 1,300 का ये मुझे फाउंडेशन पड़ा है। ये गाइज कलर बार का ही फाउंडेशन है और ये मैट में था इसलिए लिया है। यहाँ पे गाइज आपको दो फाउंडेशन मिलते हैं, एक आपको मिलते हैं जिसके अंदर मॉइस्चराइजर और सम ग्लिटर स्पार्क उसके अंदर होते हैं, बट वो मेरी स्किन, आपको पता है मैंने आपको बता दें ऑयली है, तो मेरी स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं था। अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है सो डेफिनेटली आप उसके लिए जाइएगा, उसका ग्लो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो गाइज ये 3 प्रोडक्ट है जो कि मैंने नए लिए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ पहले मैं शेयर कर देती हूँ। आज मेरा जो मेकअप लुक क्रिएट होने वाला है वो इन 3 प्रोडक्ट से होने वाला है, बाकी जो ब्लशर है आई शेडो है वो अलग है। आई शेडो बहुत लाइट यूज़ करना है, आप चाहते तो मत भी कीजिएगा चलेगा। सो गाइज अभी मुझे टाइम हो गया है, आई थिंक आराम से मुझे 2-3 मिनट हो गया है, 2-3 मिनट नहीं ज़्यादा ही टाइम हो गया है। तो मैं यहाँ पे गाइज सबसे पहले कंसीलर यूज करूंगी, यस कंसीलर यूज कर लेने वाली हूँ, उसके बाद गाइज मैं फाउंडेशन यूज करूंगी। गाइज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो पहले फाउंडेशन यूज करते हैं बाद में कंसीलर यूज करते हैं, पैकेजिंग भी इसका बहुत अच्छा है, तो जैसा आपका मन हो वैसा कर सकते हो। एंड गाइज ये ब्यूटी ब्लेंडर है जिसको मैंने ऑलरेडी अच्छे से पानी से डैप कर लिया है, स्क्वीज कर लिया अच्छे से, अब इसमें बिल्कुल लाइट एकदम पानी है जो होना चाहिए था, और मेरा सारी ही चीज़ स्किन की ऑयली मतलब ऑयली स्किन के लिए यूज़ कर रखा है, सुपर मैट तो ज़रूरी है। तो गाइज यहाँ पर मैं एकदम थोड़ा सा प्रोडक्ट लेने वाली हूँ, मैं बिल्कुल भी ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लूँगी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, जितना कम प्रोडक्ट लोगे उतना ही अच्छा रहता है, एंड ये सच है। उसके बाद गाइज अगेन मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट लूंगी जो मेरे एक्ने हैं उसके ऊपर कवर करने के लिए, ज्यादा भी मैं कवर नहीं करना चाहती, बिल्कुल लाइट भी हो जाएगा तो चलेगा, मुझे कुछ ऐसा नहीं है, थोड़े एक्ने होते हैं इट्स अ वेरी वेरी नेचुरल, कुछ ज्यादा हाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं नॉर्मली किधर जाती हूँ गाइज, तो मैं कुछ मेकअप वेकअप भी इसलिए नहीं कर रही, तो है एक्ने तो है, क्या कर सकते हैं, बट कभी कभी थोड़ा अच्छा दिखना होता है ना फेस्टिवल टाइम पे, तब हम लोग यूज़ कर लेते हैं। एंड गाइज यहाँ पर मैं मेरे आईज के ऊपर भी इसको यूज लगाऊंगी, थोड़ा ही लगाऊंगी ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, मैंने आपको पहले बता दिया मैं प्रोडक्ट बहुत कम यूज़ करने वाली हूँ। सो ये मैंने लगा लिया है, उसके बाद गाइज ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर है, मैं ऊपर देखूंगी और उसको अच्छे से डैप डैप करूंगी, और गाइज आपके जो भी प्रोडक्ट होता है ना आपको आपके आईज पे ही इसको अच्छे से डार्क करना है, और ये कितना इजिली ब्लेंड हो गया आप ये देख लीजिए। पहले एक यही रीजन था मुझे कलर बार के प्रोडक्ट, बस एक यही गाइज रीजन था जो मैंने कलर बार का प्रोडक्ट लिया, क्योंकि ये बहुत ही इजिली मेरी स्किन पे, बहुत इजीली बोले तो बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लिया इसने मेरी स्किन पे। एंड यस गाइज यहाँ मैं कोई फिल्टर यूज नहीं करूंगी, तो आपको जो भी दिख रहा होगा ये मेरा बिल्कुल एडिटिंग पे भी, मैं सिर्फ जो मैं लिखूंगी सिर्फ मैं वो एडिटिंग करती हूँ, मैं लॉन्ग वीडियो में कोई भी फिल्टर यूज नहीं करती हूँ। तो गाइज ये मैंने मेरे डार्क सर्कल पे लगा लिया, आप देखो मेरी कितना स्किन टोन से मैच हो रहा है, बिल्कुल भी वाइट नहीं लग रहा कि मैंने कुछ लगा रखा है, और ये जो गाइज यहाँ भी मैंने लगा रखा है इसको मैं सिर्फ डैप डैप करूंगी, क्योंकि मुझे मेरी स्किन से इसको थोड़ा सा हाइड करना है, बस थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत दिखेगा तो मुझे चलेगा। एंड जब ये प्रोडक्ट गाइज आपके अच्छे लग जाते हैं ना, और फिर आपको अगर यस तो सिर्फ और सिर्फ मेरी डार्क सर्कल के लिए इन लोगों ने गाइज यहाँ पे कुछ ऑलरेडी अच्छा दे रखा है, तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है जो लोग साथ में दे देते हैं। एंड आई ऊपर करके आपको सिर्फ उसको हल्का हल्का डैप डैप कर देना है, दैट्स इट।
ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। बहुत कम लगाना होता है गाइस, क्योंकि अगर आप ये ज़्यादा लगा लेते हो ना, फिर जब आप फाउंडेशन लगाते हो ना, तो फिर ये एकदम ड्राई लगता है, और फाउंडेशन के साथ आपका ना डार्क सर्कल वाला एरिया बिल्कुल मैच नहीं कर पाता है। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा, एकदम सिर्फ हल्का सा लगाना है, ताकि कोई क्रीज लाइन ना पड़े, दैट्स इट, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए। ठीक है, हम तो उसको बाद में भी सेट कर देंगे कॉम्पैक्ट पाउडर से। सो यस, ओके। इसको गाइस जैसे कम्प करना है, तो फाउंडेशन आ रहे हैं, और मैंने कितना ही दिमाग लगा लिया था, और मैं बिल्कुल लाइट लाइट लगाने वाली हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला है कि मुझे ज़्यादा बिल्कुल भी मेकअप नहीं चाहिए, बहुत लाइट लाइट चाहिए। जिस तरह कहीं आपको लगे ना कि आपकी स्किन टोन थोड़ी डार्क है, वहाँ पे बस आप ज़्यादा लगा लेना, डार्क सर्कल के पास मैं ले लूँगी स्किन पे। एंड ये वाला चिक एरिया नेक को गाइज मैं सबसे बाद में लगाने वाली हूँ। वाओ, ब्लेंडिंग मतलब यार गाइज, सुपर फास्ट ब्लेंडिंग, सुपर फास्ट, सीरियसली। आप देखिए कितना जल्दी जल्दी ब्लेंड हो रहा है, मतलब मैं इतना एफर्ट भी नहीं डाल रही हूँ। अभी से पहले गाइज इतना सुपर ब्लेंडिंग प्रोडक्ट मैंने कभी नहीं देखा, सीरियसली। सो यस, मैंने इसे सेट कर लिया है। यहाँ पे गाइज मैं नेक नेक के लिए प्रोडक्ट ले लेती हूँ। थोड़ा सा मेरे को पैकेजिंग से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है गाइज, एंड कवरेज तो बहुत है इसमें, बहुत मतलब बोले तो बहुत होता है। अभी गाइज ये कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेते हैं इसको ख़राब करने से पहले। तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, और यहाँ मैं पूरी स्किन पे लगा देती हूँ। आप गाइज ब्रश से भी लगा सकते हैं, लगाने वाली हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर को, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है ब्रश इज़ अ वेरी वेरी नाइस वे, यू नो, लगाने का। सो दैट्स इट। और डस्ट आउट भी कर देती हूँ, क्योंकि डस्ट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत कॉम्पैक्ट पाउडर गाइज मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे बहुत कम लगाना पड़े, ये तो कॉम्पैक्ट पाउडर में सबसे अच्छी बात है कि आपको बहुत कम लगाना पड़ता है, एंड काम आपका हो जाता है कम प्रोडक्ट से भी। सो नाइस, गुड बॉन। उसके बाद गाइज थोड़ा सा नेक कवर करेंगे यहाँ पे हम कॉम्पैक्ट ही पाउडर से। जो भी गाइज मैं आपको हमेशा बोलती हूँ मेरी वीडियो में, कि जो भी प्रोडक्ट आप अपने फेस पे लगाते हो, वो सारे ही प्रोडक्ट आपको आपके ईयर्स पे, नेक पे ज़रूर लगाना होता है, क्योंकि बहुत मैटर करता है, यू नो, ये सब चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ, और आपको बोलती ही रहूँगी मैं जब जब भी वीडियो बनाऊँगी। लेती हूँ एंड ब्लशर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा उसको डस्ट आउट करूँगी। बहुत पुराना ब्लशर है ये मेरा, 07। एंड गाइज मेरा फेस थोड़ा चबी है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक ब्लशर अब नहीं लगाने वाली, जो मैं पहले गलती करती थी। मैं सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करके, जो मेरी आईज है ना, आईज आईज का जहाँ से मेरे ये आईज बोल स्टार्ट हो रहा है, मैं सिर्फ वहीं तक लगाऊंगी, लाइक यहाँ तक। तो हमेशा आपको ऊपर से डैप करके लाना है, और आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे डैप करना है, दैट्स इट। यही ब्लशर का तरीका, और कुछ ही नहीं करना। मैंने बहुत मिस्टेक करने के बाद ही ब्लशर का तरीका सीखा है, और वही मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ गाइस। एंड फिर उसके बाद मैं बहुत लाइट, मैंने आपको पहले कहा गाइस कि मैं बहुत लाइट मेकअप करने वाली हूँ, तो जब लाइट मेकअप करना होता है, तो फिर आपको ऐसा ही बहुत लाइट प्रोडक्ट चाहिए। आपको डार्क करना है तो आप कर भी सकते हो, इस टोटल टू योर कॉल। और ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लश लगा है, वो अभी चला जाएगा। हल्का सा गाइस मैं नोज पे लगा लूंगी, बहुत लाइट, जो हल्का फुल्का प्रोडक्ट बचा होगा, सिर्फ उससे हल्का सा मेरे जॉ लाइन पे, दैट्स इट। ओके, सो गाइज अभी हमारा ब्लशर लग के रेडी हो गया है। थोड़ा बहुत ब्लशर दिखना भी चाहिए, यू नो, दिखेगा नहीं तो ब्लशर का भी क्या फ़ायदा है। मैं इसको अच्छे से ब्लेंड भी कर लेती हूँ, ताकि बहुत एक नेचुरल लुक आना चाहिए।
वो तभी आएगा जब अच्छे से ब्लेंड होगा। हाँ नाउ गाइस, अभी फटाफट से थ्रेडिंग बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे, मैं थ्रेडिंग के लिए मतलब मेरी आईब्रोज के लिए मैं ये वाला ब्रश आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, बस इस बेसिस पे ही मैं इसे यूज़ करती हूँ, और कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है मेरे को उसको यूज़ करने का। सो ये गाइस, यहाँ पे मैं ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा। मैं ज़्यादा ब्लैक नहीं यूज़ करती, ज़्यादा ब्लैक यूज़ करने से मेरे को बहुत अलग ही वो फिर दिखाई देने लगता है। मैंने आपको फिर से बोला गाइस कि थोड़ा मुझे नेचुरल चाहिए, तो जो मेरी आईब्रो है ना गाइस, सिर्फ मैं उधर ही फिल करूँगी, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाने वाली यहाँ पर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नेचुरल दिखाना है। तो उसके लिए जो भी आपका स्किन है, जो भी आपके फीचर्स है, सिर्फ उसको थोड़ा सा डिफाइन करूँगी, दैट्स इट, ताकि वो एकदम नेचुरल लगे, दैट्स इट। और इसको फिर मैं ब्रश से एक बार अच्छे से चला दूंगी, ताकि जितने भी प्रोडक्ट है वो अच्छे से सेट हो जाएं और स्किन पे मर्ज हो जाए। सो ब्रो यार रेडी है, स्वेटिंग हो रही है मुझे। सी आईज को सिर्फ मैं डिफाइन करूंगी, मुझे कोई आई शेडो नहीं लगाना है। तो ये जो ब्राउन कलर है ये वाला, और ये इन दोनों को मैं मिक्स करके लगाने वाली हूँ। डस्ट ऑफ कर देंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, एंड सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, सिर्फ डिफाइन करना है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करना है। ये बहुत नेचुरल लगे, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं देखना चाहिए। सो और इस साइज पे भी सेम ऐसे ही कर देंगे, डिफाइन करना है, दैट्स इट। सो आई शेडो इज डन। अब गाइस सेम ब्रश से मैं एक डार्क शेड लेके हल्का सा बिल्कुल लाइट वाला कॉन्ट्रो पाउडर टाइप का लेने वाली हूँ। मैं ये वाला शेड लूंगी, ये वाला। सो ये लेके सिर्फ जो मेरा ये बॉन है, बहुत ही लाइट कर रही हूँ, थोड़ा स्किन मेरा चबी है, इसके लिए अगर आपका नहीं है तो आपको तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। लैक्मे का लाइनर यूज़ कर रही हूँ, ये लैक्मे का नहीं है, सॉरी लैक्मे का दूसरा था, ये कोई दूसरा है। दिस इज़ नॉट वाटर प्रूफ लाइनर, मैं वाटर प्रूफ लाइनर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। हाँ किधर मुझे लगेगा बाहर जा रही हूँ, समर मतलब यू नो थोड़ा रेनिंग टाइप का होगा, बहुत ज़्यादा समरी होगा, तभी मैं यूज़ करती हूँ। अदरवाइज गाइज मैं नॉर्मल लाइनर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी आईज़ को भी थोड़ा ठीक ठाक रखता है, ज़्यादा हार्म भी नहीं पहुँचाता। नाउ इज अ परफेक्ट लाइनर मेरी तरफ से, आई एम नॉट वेरी मच यू नो, मतलब मैं बहुत अच्छी लाइनर लगाने वाली नहीं हूँ, बना लेती हूँ। सो गाइज आई हैव अ टू लिपस्टिक इधर, एक ये है शुगर का लिपस्टिक है, और एक ये लैक्मे का लिपस्टिक है। सो मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं दोनों में से कौन सा लिपस्टिक लगाऊँ। ऑलमोस्ट ये सेम सेम ही है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। सो गाइज यहाँ पे मैं ये वाला लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। सो गाइज फाइनली आई एम रेडी, लिपस्टिक लगा के मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ। एंड थोड़ा सा गाइज यहाँ पे बाकी है यू नो, एक ये लगाने का, क्या कहते हैं उसको, हाइलाइटर। यस हाइलाइटर लगाने के लिए। आईब्रो गाइज मैं नेचुरल रख रही हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप इसको अच्छे से डार्क भी कर सकते हो, बट मुझे नेचुरल आईब्रो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बस एक यही रीज़न है मेरा नेचुरल आईब्रो रखने का। आप अपने सजेशन से जो आपको अच्छा लगता है बोल। सो गाइज मैं यहाँ पे हाइलाइटर ये वाला यूज़ कर रही हूँ, स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर है ये, बहुत अच्छा हाइलाइटर है सीरियसली। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फैन ब्रश पे हाइलाइटर लिया, डस्ट ऑफ किया, सिर्फ मेरे जो चीक बोन है सिर्फ मैं उस पर लाइटली इसको लगा रही हूँ, दैट्स इट, ताकि सिर्फ ये शाइन करे, दैट्स इट। क्योंकि मेरा पूरा ही मेकअप गाइज एकदम मैट है, सुपर मैट है, तो आपको पता है कि शाइन करने के लिए आपको चाहिए होगा ग्लिटर। सो दैट्स इट, नोज पे थोड़ा सा कर लेंगे, इधर कर लेंगे। मस्कारा के लिए गई सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ, स्वेटिंग कितनी हो रही है यू कैन सी। तो गई यहाँ पर मैंने आई लैशेस कर्लर ले लिया है, और आई लैश को पहले मैं अच्छे से कर्ल कर लूँगी।
घी यूज कर रही हूँ, मश्कारा। आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हो। ये वाटरप्रूफ मस्कारा है, सो गाइज दूसरी आईज पे भी मैंने लगा लिया है अच्छे से मस्कारा। सो फाइनली गाइज ये मेरा लुक है। अब फटाफट से ड्रेस पहन के आते फिर आपके साथ दिखाते हैं। सो गाइज ये मेरा फाइनली लुक था मेकअप का, जो रक्षाबंधन के लिए बहुत